30 करोड़ रुपए का लेन देन करने वाली फर्म का मालिक राज्य जीएसटी एंटी इवेजन की टीम को गौशाला में गाय चराते हुए मिला। जी हां, यह सच है। धोखाधड़ी करने वालों के चुंगुल में फंसकर इस व्यक्ति को यह भी पता नहीं चला कि उसको किराए की दुकान दिलाने के नाम पर जिन लोगों ने उससे कागजात लिए वो एक फर्म बनाकर लगातार उससे व्यापार कर रहे हैं। वहीं 30 करोड़ का लेन देन करने के साथ साथ इस फर्म ने 5.5 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी भी कर ली है। झुंझुनू एंटी इवेजन के संयुक्त आयुक्त उमेश कुमार जालान ने बताया कि सरदार शहर तहसील के गांव बुकनसर छोटा में पंजीकृत फर्म के रिकॉर्ड में गड़बड़ी मिली थी, जिस पर विभाग के मुख्य आयुक्त रवि जैन और बीकानेर संभाग के अतिरिक्त आयुक्त हरि सिंह चारण के निर्देश पर छानबीन की गई, तो वहीं पूरे मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। वाणिज्य कर विभाग के मुख्य आयुक्त श्री रवि जैन साहब के निर्देशन में जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध डाटा और ईवे बिल पर उपलब्ध डाटा का एनालिसिस करने के बाद में हमें यह जानकारी में आया कि चूरू जिले की सरदार शहर तहसील के भूकंसर गांव में करोड़ों रुपए का एक व्यापार एक फर्म करना बता रही है। डाटा एनालिसिस में यह भी सामने आया कि जो व्यक्ति वहाँ व्यापार करना दस्तावेजों में बता रहे हैं वो वहाँ उपलब्ध नहीं है। विभाग की टीम को वहाँ भेजा गया। वहाँ भेजने पे पता चला कि जिस व्यक्ति के नाम से वो फर्म रजिस्टर्ड है वो तो कोई गौशाला में काम करता है। उस व्यक्ति को मिसगाइड करते हुए उसके दस्तावेजों से रजिस्ट्रेशन लिया गया और लगभग 30 करोड़ रुपए का फर्जी लेन देन करते हुए लगभग 5.5 करोड़ रुपए की ITC को पास किया गया है। चूरू के सरदार शहर में फर्जी फर्म को पकड़ा गया है। जीएसटी एंटीविजन टीम ने कार्रवाई की है, तो वहीं जिस व्यक्ति के नाम से फर्म रजिस्टर्ड है वह व्यक्ति गाय चराता हुआ मिला है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद हमारे संवाददाता सुजीत शर्मा। सुजीत, क्या है पूरा मामला? एक फर्जी फर्म का यहां पर खुलासा हुआ है। बिल्कुल, आपको बता दूं कि झुंझुनू से बड़ी खबर निकल के आ रही है। जीएसटी एंटीविजन की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। चूरू के सरदार शहर के अंदर जो एक फर्जी फर्म है वो फर्जी है और तो फर्म का मालिक है वो गौशाला के अंदर एंटीविजन टीम को गाय चराते हुए मिला। आपको बता दूं कि 30 करोड़ रुपए के लेन देन वाला है जो मालिक है फर्म का, उस गाय चराते हुए मिला। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि यह पूरा मामला जो दुकान किराए लिए थे, दुकान किराए नामे पर कागजात पर फर्जी साइन करवा के 30 करोड़ रुपए का लेन देन, और साथ ही साथ आपको बता दूं कि 5.5 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी भी की है। जी बिल्कुल। कौन लोग थे जिन्होंने हस्ताक्षर करवाए हैं, इस बात का कोई खुलासा हो पाया है? अभी आपको बता दूं कि इस मामले का तो खुलासा हो नहीं पाया है कि किसने हस्ताक्षर करवाए थे, लेकिन जो जिस नाम से फर्म ली थी, जिस नाम से टैक्स चोरी की थी, वो मालिक जो गौशाला के अंदर गाय चराते हुए मिला है, उससे बातचीत करने पर पता चला है कि कोई आदमी उसकी दुकान किराए दिलाने के नाम पर कुछ कागजात पे साइन करवाए थे और कुछ उसके कागजात लिए थे। लेकिन आपको बता दूं कि साथ साथ ये बहुत बड़ा मामला खुलकर सामने आया है, लेकिन जो संयुक्त आयुक्त उमेश कुमार जालान की टीम ने कार्रवाई की है, उनका कहना है कि जल्द से जल्द जो मुख्य आदमी है, जो मुख्य आरोपी है, उन तक पहुंचने की प्रक्रिया है वो जारी है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता सुजीत शर्मा, जिन्होंने बताया कि फर्जी फर्म पकड़ी गई है। और चौंकाने वाली बात यह कि जिस व्यक्ति के नाम ये फर्म रजिस्टर्ड थी वह व्यक्ति गौशाला में गाय चराता मिला है। तो वहीं टीम अब पड़ताल में जुट गई है कि आखिर कौन लोग हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से फर्म बनाई है और करोड़ों का लेन देन कर सरकार को चूना लगाया है।